बेरी किचन में आपका स्वागत है। हम बनाने जा रहे हैं कैरी का शरबत। आप पिलर की सहायता से कैरी का छिलका उतार लें। आप दूसरी कैरी का भी छिलका उतार लें। अब आप इसका गुदा निकाल लें और इसकी गुठली अलग कर लें। शरबत के लिए दो कैरी का इस्तेमाल करें। दूसरी कैरी का भी आप गुठली से अलग कर लें इसका गुदा। अब हमने कैरी का गुदा अलग कर लिया है। अब एक बर्तन में गैस जलाकर पानी गर्म करें। एक गिलास पानी गर्म है। पानी गर्म हो चुका है, आप इसमें कैरी का गुदा डालें। इसको ढक्कन लगाकर उबालें। कैरी उबल चुकी है, आप इसको गैस को बंद करें। जब ये ठंडा हो जाए तो आप मिक्सी के जार में डालें इसे। अब आप इसमें पुदीने की पत्तियां डालें। 10 से 12 इसमें पुदीने की पत्तियां डालनी है। अब आप इसमें एक कटोरी चीनी डालें। चीनी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसमें अब आप डालें 1 चम्मच भुना हुआ पिसा जीरा, 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। अब आप इसको मिक्सी में पीस लें। अब आप कैरी के पल्प को छन्नी में छान लें। अगर आपको पल्प गाढ़ा लगे तो आप इसमें पानी मिलाकर भी छान सकते हैं। ये पल्प छन चुका है, आप इसको 1 लीटर पानी में मिलाएं। कच्चे आम का शरबत बनकर तैयार है। आप इसको ठंडा करके सर्व करें। अब आप इसमें आइस क्यूब डालें। शरबत बनकर तैयार है, आप इसे सर्व करें। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।